बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र श्री स्वामी निजात्मक नंद जी को सत्संग प्रचार की आज्ञा दी है। बुचिया में श्री महाराज जी ने अपने परम प्रिय सेवक स्वामी निजात्मक नंद जी को सत्संग प्रचार और लोक कल्याण के लिए रमता जाने की आज्ञा दी है। श्री स्वामी निजात्मक नंद जी का इष्ट चरणों से आगात प्रेम था। वे अपने प्राण धन श्री महाराज जी को एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वे श्री गुरु महाराज जी से इतना प्रेम करते थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर श्री गुरु महाराज जी से वो एक पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी अगर दूर हो जाते हैं तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। श्री महाराज जी के मुखारविंद से आज्ञा पाकर उनकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने एकदम रोना आरंभ कर दिया। रोते रोते वे शुद्ध हो गए, किंतु सेवक ने धर्म बहुत कठिन होता है। सेवक का जो धर्म होता है बहुत ही कठिन होता है। सेवक तो सदा गुरु आज्ञा में बंधा रहता है। सेवक और सेवा धर्म की इस कठोरता को भरत जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। जब भरत श्री राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट पर आए तो मार्ग में और सभी राजा, महाराजा, राजा समाज तो अनेक प्रकार के वाहनों पर जा रहे थे, परंतु भरत जी नंगे पाँव ही चल रहे थे। भक्तों, क्या कारण हो सकता है? कई बार उन्होंने किसी वाहन पर सवार होने की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने बड़ी नर्मता पूर्वक कहा कि मैं तो रघुनाथ का सेवक हूँ। इस मार्ग से मेरे प्रभु नंगे पाँव चलकर गए हैं। मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं सिर के बल इस मार्ग से चलूँ। सिर भर चलूँ उचित असमोरा, सबते सेवक धर्मा कठोरा। श्री महाराज जी ने स्वामी जी को आज्ञा दी कि 20 गांव में सत्संग प्रचार करके फिर आदर्श दर्शन करो। साथ ही श्री महाराज जी ने 6 महीने का संकेत दिया था, किंतु श्री स्वामी जी ने 12 दिन में ही 20 गांव में सत्संग प्रचार करके लौटकर श्री महाराज जी के पावन दर्शन करने चाहे। इस मन में विचार आया कि मैं शीघ्रता लौट आऊं, कहीं श्री महाराज जी क्रोध नहीं हो। इस भय के कारण आप बुचिया गांव के बाहर बैठ गए। इनका विचार यह था कि जब कोई महात्मा जन अथवा गुरु भाई हमें दिखाई पड़ेगा तो हम उनके द्वारा ही श्री महाराज जी के दर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। इधर गांव के कुछ और लीला हो रही थी। श्री महाराज जी ने वहां से मलकवाल के लिए प्रस्थान कर चुके थे। जब यह समाचार स्वामी जी ने सुना तो बहुत दुखी हुए। प्रेमी तो अपने प्रीतम के क्षण की पृथक नहीं रहना चाहते हैं। इस कारण स्वामी जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए मलकवाल की ओर चल दिए। मार्ग में अपने एक गांव में पानी पिया था और थोड़ी देर के लिए नंगे धरती पर ही विश्राम करने लगे। थकावट के कारण इन्हें नींद भी आ गई। इधर श्री महाराज जी साधु मंडली के साथ आगे जा रहे थे। तब स्वामी जी उठे तो उन्होंने भक्त आसानंद जी और स्वामी सत्य विचारानंद जी को तांगे पर श्री महाराज जी को पीछे जाते देखा था। स्वामी जी ने उन्होंने श्री महाराज जी के विषय में पूछा तो पता चला कि श्री महाराज जी आगे की ओर चल दिए हैं। तब स्वामी जी भक्त आसानंद जी के साथ मलकवाल चले गए। मलकवाल के स्टेशन पर भक्त मेहरचंद जी स्वामी
परमानंद जी उस समय भक्त आसानंद जी श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार प्रतीक्षा कर रहे थे। अब यह तीनों मिलकर श्री महाराज जी के पीछे मंडी भावल दीन रेलवे स्टेशन पर गए थे, क्योंकि श्री महाराज जी ने वहां से गाड़ी पर सवार होना ही था, किंतु गुरु आज्ञा भी कुछ भेद रखती है। उस लीलाधारी प्रभु ने ऐसी लीला रची कि स्वामी निजात्मानंद जी को कहीं इधर उधर जाना पड़ा तो पीछे गाड़ी आ गई। श्री महाराज जी महात्मा के साथ उस पर सवार होकर उत्तर प्रदेश चले गए। जब थोड़ी समय के बाद स्वामी जी स्टेशन पर आए तो पता चला कि श्री महाराज जी सब महात्माओं के साथ उत्तर प्रदेश के अर्थात कानपुर में चले गए। शरद ऋतु थी, किंतु सामान्य भी अन्य महात्माओं के साथ चला गया। श्री स्वामी जी बहुत कह रहे थे कि और स्वामी जी ने बहुत सोचा और विचारा भी, किंतु अब क्या हो सकता है। विरह अग्नि और भी तेज हो गई। इधर शरीर पर केवल जो वस्त्र पहने हुए थे उनके अतिरिक्त और कुछ पास नहीं था। आप साधना रूप में इधर उधर घूमने लगे। काफी पूछताछ करने के पश्चात स्वामी जी को अज्ञात हुआ कि श्री महाराज जी कानपुर में ही गए हैं। अब आप अपने प्रीतम के दर्शन पाने के लिए गाड़ी पर सवार होकर कानपुर की ओर चल दिए। इस प्रकार आप कानपुर पहुँचे। उधर श्री सतगुरु देव जी किसी प्रेमी के प्रेमवंश मार्ग में ही ठहर गए। कुछ दिन के पश्चात कानपुर पहुँचे। स्वामी जी को 16 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब जाकर उनकी मनोभावना पूर्ण हुई, श्री महाराज जी के दर्शन पाकर उन्हें परम आनंद का अनुभव हुआ था। अपने कुछ दिन श्री गुरुदेव के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में व्यतीत किए। तब एक दिन श्री महाराज जी ने आपको पंजाब में प्रेमी भक्त और सहज योग का उत्तम उपदेश फैलाने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही श्री महाराज जी ने कहा आपको 2 वर्ष के बाद दर्शन होंगे। श्री महाराज जी के मुखारविंद से निकले इन शब्दों को सुनकर स्वामी जी इतने लंबे समय के वियोग की कल्पना करके जरा जरा रोने लगे कि श्री गुरु महाराज जी हमसे ऐसे ही क्यों, हमें इतना वर्षों का संयोग कैसे दे दिया, हम आपके वियोग को सह नहीं कर पाएंगे। फिर बड़ी सफलता से हृदय को धैर्य देकर प्रार्थना की, ए अंतर्यामी प्रभु, दास आपके चरण कमल से इतना समय पृथक नहीं हो पाएगा और ना ही रह पाएगा। इस संसार में जीना तो जीना ही क्या है, यह वियोग तो दास के प्राणों का ही अंत कर देगा। श्री महाराज जी ने इनकी अन्य विनय को सुनकर प्रार्थना को सुनकर इन्हें 6 महीने की आज्ञा प्रदान की। यह आज्ञा पाकर श्री स्वामी जी कानपुर में पंजाब के लिए विदा हो गए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।